वेलकम माय डियर स्टूडेंट, अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। जहां मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स रिलेटेड अनेक टाइप के वीडियो, और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, नॉन रिपीटेड आइगन वैल्यू के बारे में, राइट। जो बहुत सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं और बहुत टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके इंजीनियरिंग एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन भी यहाँ पे प्रैक्टिस किया जा रहा है, और कंपटीशन में जो पूछे जाए क्वेश्चन वो भी है यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट। चलिए तो हम चलते हैं। ये क्वेश्चन जो सामने दिख रहा है, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्यूशन करेंगे आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के बारे में, राइट। तो सबसे पहले हम आइगन वैल्यू कैसे निकालेंगे इसके बारे में देखते हैं। इस क्वेश्चन के लिए देखेंगे सॉल्यूशन में, सबसे पहले इस फॉर्म में हम निकालते हैं a माइनस लेमडा आई इक्वल टू जीरो का फॉर्म, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालेंगे, राइट। देखिएगा, मैंने दैट कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज a माइनस लेमडा आई इक्वल टू जीरो। अब इसका हम फॉर्म बनाते हैं, पहले कैसे बनाते हैं, पहले बनाते हैं क्या कि a माइनस लेमडा आई, a मेरा थ्री है तो डायगनल वाला के साथ लेमडा माइनस कर देना है, बाकी सब ऐसा ही रहने दे रहा है। डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक है ए माइनस लेमडा आई निकालने के लिए। तो थ्री माइनस लेमडा और यहाँ पे वन है और यहाँ पे फोर है, राइट। ऐसा ही का फॉर्म बनाया है, इसको डिटरमिनेंट से फॉर्म रहने दीजिए। फिर देखिए यहाँ पे जीरो है, डायगनल के साथ लेमडा माइनस कर देना है, और ये सिक्स, यहाँ पे जीरो जीरो फाइव माइनस लेमडा इक्वल टू जीरो। अब इसका हम डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकालने के लिए अब यहाँ पे एक चीज शॉर्ट तरीका हम बताना चाह रहे हैं। देखिएगा, अगर मान लो डिटरमिनेंट निकालना चाह रहे हैं तो डिटरमिनेंट निकालेंगे ऐसे, ढकना है ऐसे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, टू माइनस लेमडा इंटू फाइव माइनस लेमडा और माइनस जीरो, राइट। फिर वन के सामने हम काम करते हैं, तो वन के सामने इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आ जाएगा, इसको मैं घटाएंगे जीरो आ जाएगा, यानी इधर जीरो ही हो जाएगा, राइट। और अगर हम इस प्रोसेस से हम चलते हैं तो इसको इससे बड़ा जीरो आ जाएगा, इसके बारे में जीरो आ जाएगा, यानी दोनों जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे टर्म ये भी समाप्त कर जाएगा, सिर्फ बचेगा यही दोनों टर्म। तो लिखिए क्या, थ्री माइनस लेमडा और यहाँ टू माइनस लेमडा और फाइव माइनस लेमडा इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे लेमडा का जो वैल्यू आएगा, एक थ्री आ जाएगा, एक टू आ जाएगा, एक फाइव आ जाएगा। मतलब अगर अगर कोई मैट्रिक्स अपर टेबल मैट्रिक्स में हो या लोअर टेबल मैट्रिक्स में हो, ठीक है, नीचे में इस डायगनल के नीचे जीरो हो या ऊपर में जीरो हो, तो बस उसका डायरेक्ट डिटरमिनेंट क्या हुआ कि जो डायगनल होगा उसी को खाली मल्टीप्लाई कर देना, इक्वल टू जीरो लिख देना है, तो डायरेक्ट काम आ जाएगा, राइट। जब अपर और लोअर के रूप में रहे, टेबल मैट्रिक्स के रूप में, तो डायगनल को मल्टीप्लाई कीजिए, वो जो आएगा टर्म वही डिटरमिनेंट्स का फॉर्म कहलाएगा, राइट। लेमडा का वैल्यू आया, तो जो लेमडा का वैल्यू आएगा उसको हम आइगन वैल्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू। और ये जो आइगन वैल्यू आया है वो सभी डिफरेंट आया है, सेम नहीं आया, इसको हम डिस्टिंक्ट भी बोल सकते हैं, डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट रूट्स, राइट। मतलब दोनों तीनों जो वैल्यू है अलग अलग है, डिफरेंट है, तो डिफरेंट वैल्यू को डिस्टिंक्ट रूट भी बोलते हैं। जो नॉन रिपीटेड है, मैंने ऊपर में हेडलाइन लिख दिया, नॉन रिपीटेड आइगन वैल्यू का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, ठीक है। अब हम ऐसा भी सॉल्यूशन करेंगे कि लेमडा का वैल्यू दोनों सेम आ जाए, मैंने दो यहां है तो यहां भी क्या आ जाए, दो आ जाए और फाइव अकेले आ जाए, तो ऐसा भी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे कि जो दो दो वैल्यू क्या रिपीट करेगा उसके लिए, ठीक है। तो अभी हम नॉन रिपीटेड का काम कर रहे हैं, जरा देखिएगा। तो लेमडा का टू थ्री फाइव आया है। अब इसके बाद एक काम हम और क्या करना चाह रहे हैं कि अब हम कैसे निकालेंगे आइगन वैल्यू। ये तो आइगन वैल्यू निकाल लिया, अब निकाल आइगन वेक्टर कैसे निकालेंगे इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि आइगन वेक्टर का प्रोसेस। अब थोड़ा सा हम एक फॉर्म अपनाते हैं, तो एक एक करके इस फॉर्म में हम लिखते हैं क्या, जरा देखिएगा यहां पर आइगन वेक्टर के बारे में, आइगन वेक्टर। अब आइगन वेक्टर क्यों चल रहे हैं, तो आइगन वेक्टर का फॉर्म जो है स्टार्टिंग एक फॉर्म में करेंगे कि जो हम a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इक्वल टू जीरो होता है, जो इसमें x होता है उस फॉर्म को हमको मानना पड़ेगा। लेट x इक्वल्स टू, तीनों तीन कॉलम का है तो हमारेंगे एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, और यहां b द आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू, राइट।
हाँ तो मैंने लिखा है क्या कि x बराबर x1 x2 x3 with the eigen vector for the corresponding eigen value, right? यानी फॉर्म देखिए, ये जो फॉर्म है इसी फॉर्म को हम लेके चलना है। देखिए क्या चलना है, पहले जो फॉर्म आएगा a माइनस लेमडा आई का फॉर्म, जो यही फॉर्म है जो सामने दिख रहा है, तो लिखेंगे 3 माइनस लेमडा यहाँ 1 और यहाँ 4, राइट। और फिर इस फॉर्म में देखिएगा क्या लिखना है कि यहाँ 0, यहाँ पे 2 माइनस लेमडा 6 और 0 5 माइनस लेमडा, और यहाँ पे का जो फॉर्म मैंने माना है x माना है, तो x क्या लिखाएगा, x1 x2 x3, और इक्वल टू 0 का फॉर्म है जो 0 0 0। अब ये जो आइगन वैल्यू आया है, इस आइगन वैल्यू में एक एक करके हम आइगन वेक्टर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे जरा देखिएगा, पूरी टर्म कंडीशन के साथ। केस नंबर फर्स्ट व्हेन लेमडा इक्वल टू 2 से हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लेमडा का वैल्यू प्रत्येक में हम 2 पुट कर देते हैं, बाकी टर्म ऐसा ही रह जाएगा एज इट इज, राइट। दैट 3 माइनस 2 एंड 1 4, राइट, एंड 0 2 माइनस 2 एंड यहां 6, 0 0 5 माइनस 2 एंड x1 x2 x3, तो x1 x2 x3 एज इट इज, x1 x2 एंड x3, राइट, एंड इक्वल टू 0 0 0, कंप्लीट। अब जरा देखिएगा इस फॉर्म के लिए क्या क्या हम अपनाएंगे टर्म, सॉल्यूशन करने का तरीका अपना रहे हैं। तो यहाँ 1 1 4 0 0 6, 0 0 यहाँ 3 आएगा। देखिए जहाँ डॉट हो, जहाँ गलत लिखा जाए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हम नेक्स्ट बार बहुत तरीके से समझा करके ध्यानपूर्वक क्लियर किया जाए, ठीक है। और देखिए जो विद्यार्थी समझ में आ रहा है, जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर लग रहा है, तो विद्यार्थी दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी पढ़ाई पूर्ण रूप से हो सके। चलिए जरा देखते हैं, अब इसमें हम क्या करते हैं कि दो इक्वेशन निकालते हैं। कैसे निकालते हैं जरा देखिएगा, रो का मल्टीप्लाई कॉलम से। तो x1 प्लस x2 प्लस 4x3 इक्वल टू 0, इसको इससे, तो ये तो 0 0 6, यानी 0x1 प्लस 0x2 प्लस 6x3 इक्वल टू 0 का फॉर्म आया, राइट। हालांकि तीसरा इक्वेशन भी हम तैयार कर सकते हैं, लेकिन दो ही इक्वेशन पर काम मेरा चल जाएगा, राइट। चलिए यहां तक क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ पे क्रैमर रूल के द्वारा x1 x2 x3 का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे जरा देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल x1, तो इसको हम इस तरह से हम ढक लेते हैं, तो 1 इंटू 6 6 माइनस 0 इंटू 4 0, राइट। और सेकेंड में x2 जो है माइनस लिख देना है दिस, एंड 1 इंटू 6 6 माइनस 0, क्लियर। एंड x3 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 0 0 माइनस 0, तो ये फॉर्म जो है x1 अपॉन 6 एंड x2 अपॉन माइनस 6 एंड x3 अपॉन 0, राइट। हालांकि प्रत्येक में से हम 6 कॉमन करके हम हटा सकते हैं, तो लिख सकते हैं क्या, x1 अपॉन 1 x2 अपॉन माइनस 1 एंड x3 अपॉन 0। देख लीजिए कहीं डॉट है तो इस फॉर्म को हम आगे इक्वल टू में k मान लिया, दिस इक्वल टू k एंड दिस इक्वल टू k एंड दिस इक्वल टू k। व्हेन देखिए, व्हेन x1 इक्वल टू k एंड x2 इक्वल टू माइनस k एंड दिस x2 इक्वल टू 0 x3 इक्वल टू 0, देन 0 इंटू के लिख सकते हैं, राइट। देन फाइंड x1 x2 x3, राइट, x1 मेरा k है और x2 माइनस k है और ये 0 k है, जैसे k का हम कॉमन ले लेते हैं तो फॉर्म मेरा क्या आएगा, 1 माइनस 1, और ये 0 का फॉर्म आया। तो ये जो वैल्यू आया, ये आइगन वेक्टर आया लेमडा इक्वल्स टू 2 के लिए आया, राइट। किस पॉइंट के लिए आया, लेमडा इक्वल्स टू 2 के लिए आया है। तो यहां लिखेंगे आइगन वेक्टर जो आया है वो मेरा कितना आया है, 1 माइनस 1 और 0, किसके लिए आया है, तो 4 लेमडा इक्वल्स टू 2 के लिए आया है, पहला स्टेटमेंट, राइट। अब केस नंबर सेकंड की ओर चलते हैं, जरा देखिए केस नंबर सेकंड में भी थोड़ा चलते हैं कि क्या इसका टर्म और कंडीशन आगे बढ़ता है। तो केस नंबर सेकंड में लेमडा इक्वल टू 3 के लिए चलते हैं। देखिए केस नंबर सेकंड,
व्हेन लेमडा इक्वल्स टू 3। अब इसमें भी वैसा ही प्रोसेस चलेगा, तो हम लेमडा का वैल्यू हम पुट करेंगे कहां, 3 पुट करेंगे इस फॉर्म में, जो a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0 है, तो इस फॉर्म को मैंने तैयार किया यहां पे, और लेमडा का वैल्यू 3 पुट करना। देखिएगा 3 माइनस 3 और जहां जहां लेमडा वहां वहां काम करना है, राइट। देखिएगा यहां पे 0 है और 2 माइनस 3 और ये हो गया 6 और 0 0 5 माइनस 3 और ये जो फॉर्म x1 x2 x3 है, x1 x2 x3 और इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये फॉर्म 0, राइट। इसके बाद जरा देखेंगे क्या क्या आएगा इसके बारे में, 0 0 0 1 माइनस 1 0 4 6 और ये 2। अब ये दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे और दो इक्वेशन तैयार करना है, और दोनों इक्वेशन तैयार करने के बाद क्रैमर रूल से x1 x2 और x3 का वैल्यू निकाल लेना है, वही आएगा आइगन वेक्टर, राइट। देखिए तो हम मल्टीप्लाई करते हैं रो का मल्टीप्लाई कॉलम से, तो 0x1 प्लस x2 प्लस 4x3 इक्वल टू 0, इसी रो के इस कॉलम से 0x1 माइनस x2 और 6x3 इक्वल टू 0, जिसमें हम एक काम करते हैं कि x1 का फॉर्म हम रखते हैं क्रैमर रूल के द्वारा, तो 6 और माइनस प्लस 4 माइनस x2 का फॉर्म हम निकालते हैं, तो आएगा 0 0 माइनस 0, राइट। और x3 का फॉर्म हम निकालते हैं तो आ जाएगा क्या, 0 माइनस 0। अब यहाँ पे लिख सकते हैं x1 अपॉन 10 और x2 अपॉन 0 और x3 अपॉन भी 0, हालांकि 10 प्रत्येक में से हम कैंसिल कर सकते हैं, तो x1 अपॉन 1 x2 अपॉन 0 एंड x3 अपॉन भी 0। इस फॉर्म को हम k मान लेते हैं, जब k मानते हैं तो x1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, व्हेन x1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, k लिख सकते हैं, x2 इक्वल टू 0 के लिख सकते हैं और x3 इक्वल टू 0 के लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो फॉर्म आया है कैपिटल एक्स पर माना गया है x1 x2 x3, तो x1 मेरा कितना है k है और x2 0 k है और ये भी 0 k है, इस फॉर्म में हम k कॉमन कर लेते हैं तो 1 0 0 होएगा और ये मेरा आइगन वेक्टर आ जाएगा, आइगन वेक्टर जो आया है वो कितना आया, 1 0 0 किस वैल्यू के लिए, तो 4 आइगन वैल्यू लेमडा इक्वल्स टू 3 के लिए आया है, राइट। तो ये मेरा आइगन वेक्टर सेकंड है और आइगन वेक्टर फर्स्ट है, और आइगन वेक्टर एक और निकालते हैं आइगन वैल्यू 5 के लिए निकालते हैं, लेकिन यही साइड में निकालेंगे, इसको मिटाते हैं पहले उसके बाद, राइट। नेक्स्ट चलिए केस नंबर थर्ड देखिएगा, केस नंबर थर्ड व्हेन लेमडा इक्वल्स टू 5 के लिए चलते हैं और 5 का फॉर्म इसी टर्म में हम पुट करते हैं, तो देखिएगा यहाँ पे पुट करते हैं 3 माइनस 5 और ये 0 और ये भी 0, यहाँ 1 और 2 माइनस 5 0 और यहाँ होगा 4 6 और जो फॉर्म है 5 माइनस 5 इंटू x1 x2 x3 इक्वल टू 0 0 0, राइट। अब इस फॉर्म में हम सेट क्या करते हैं कि माइनस 2 है, ये 0 है 0 है, 1 माइनस 3 और ये 0 4 6 यहाँ पे 0 का फॉर्म आएगा, x1 x2 x3 इक्वल टू 0। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद दो इक्वेशन तैयार करते हैं, राइट। देखिए दो इक्वेशन तैयार करते हैं, पहले दो इक्वेशन रो का मल्टीप्लाई कॉलम से करेंगे, माइनस 2x1 प्लस इसको इससे x3 दिस इंटू दिस 4x3 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट, तो 0 इंटू x1 माइनस 3x2 और प्लस 6x3 इक्वल टू 0। अब इसी से हम क्रैमर रूल द्वारा वैल्यू निकाल लेते हैं, x1 को हम ढकेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6
माइनस दिस इंटू दिस, यानी माइनस 12 एंड माइनस माइनस प्लस 12, राइट। एंड एक्स टू, यहाँ भी थोड़ा सा एक्स टू लिखाएगा, राइट। एक्स टू, एक्स टू के आगे माइनस का फॉर्म होगा, और इसको तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस 12 एंड माइनस 0, और एक्स थ्री के सामने काम करेंगे तो इसको इससे तो माइनस माइनस प्लस 6 माइनस 0, राइट। पहले इसको हम हटाते हैं उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। चलिए, इसका सॉल्यूशन में क्या आता है, एक्स वन अपॉन 18 और माइनस कैंसिल होगा तो एक्स टू अपॉन 12 एंड एक्स थ्री अपॉन 6, प्रत्येक में 6 कॉमन कर हटा सकते हैं, तो एक्स वन अपॉन 3 एंड एक्स टू अपॉन 2 एंड एक्स थ्री अपॉन 1, और ये टर्म को मान लेते हैं के, राइट। अब इस फॉर्म में एक चीज़ ध्यान रखना है, क्या, दिस इक्वल्स टू के एंड दिस इक्वल टू के एंड दिस इक्वल टू के, यानी एक्स वन इक्वल्स टू 3k एंड एक्स टू इक्वल्स टू 2k एंड एक्स थ्री इक्वल्स टू k, देन एक्स इक्वल्स टू एक्स वन 3k एंड 2k एंड k, k कॉमन ईच एलिमेंट 3, 2, 1, देन आइगन वेक्टर, देन आइगन वेक्टर एक्स इक्वल्स टू, यहाँ आएगा 3, 2, 1, 4 लेमडा इक्वल्स टू 5 के लिए, मतलब ये लेमडा इक्वल्स टू जो 5 के लिए मैंने आइगन वेक्टर निकाला, लेमडा इक्वल्स टू 2 के लिए आइगन वेक्टर निकाला, और लेमडा इक्वल्स टू 3 के लिए भी आइगन, यानी आइगन वेक्टर तीनों आइगन वैल्यू के लिए तीनों आइगन वेक्टर जो सामने दिख रहा है, राइट। चलिए, तो ये क्वेश्चन को नोट किया जाए, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ज्यादा बढ़िया होगा। नेक्स्ट, चलिए, मैंने एक क्वेश्चन दिया है एसडब्ल्यू ग्रुप में, ये क्वेश्चन को बताना है, नहीं बनेगा कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका क्या आंसर होगा, और इसके बाद नहीं बनने के बाद फिर अगर कमेंट में बोलिएगा तो इस पर हम नया जो है ना क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे, इसका आगे हम लेक्चर सर बनाएंगे, राइट। चलिए ठीक है, तो आज इतना ही, फिर विशेष जो है नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन के साथ हम आगे बढ़ाएंगे, और अभी मैंने बताया है नॉन रिप्टेड आइगन वैल्यू का सॉल्यूशन, और नेक्स्ट वीडियो में रिप्टेड का फॉर्म बताएंगे कि जब रिपीट करेगा तब लिम्डा रिपीट करेगा तब उसका आइगन वेक्टर हम कैसे निकालेंगे इसके बारे में बताएंगे, और जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है वो आपके यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कीजिए ताकि प्रैक्टिस करने से आगे का क्वेश्चन सॉल्व होता है, राइट। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर लीनियर अलजेब्रा का बेहतरीन कॉन्सेप्ट, और अगर क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, राइट। चलिए ठीक है।